एक मोहल्लागंज में कालेवीर मंदिर के प्रांगण में आयोजित हुआ उदा देवी की स्मृति में एक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में बहराइच की सांसद सावित्री बाई फुले भी उपस्थित हुए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मंत्री सुशील पासी और रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव भी उपस्थित, साथ साथ दुर्गेश सिंह दीपू भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद कुमार रावत रहे। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में पासी समाज के लोग भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में एक रोचक बात तब ये रही जब इस कार्यक्रम के मंच पर इतने पारी समाज के लोग और साथ साथ रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मंच पर जिस प्रकार से जोर घोष के नारे लगे वो भी कार्यक्रम पर रोहित श्रीवास्तव ने कुछ संबोधन भी दिया वो इस प्रकार से। अंग्रेज सिकंदर बाग में नहीं घुस पाएगा। आज ऐसी वीरांगना का नाम हम लोगों को गर्व से रहना चाहिए जिससे खाली देश में केवल एक महिला ही का ही नहीं, पासी समाज का ही नहीं, पूरे देश का नाम ऊंचा किया है और हम लोग इनको सशस्त्र नमन करते हैं। मैं साध्वी सावित्री बाई फुले सांसद बहराइच, जो विषय आपने उठाया है बहुत अच्छा ही विषय है, क्योंकि आज शहीद माता उदा देवी पासी के शहीद दिवस पर हम सब लोग आए हैं और जहाँ पर देश के लिए मुगलों से लड़े हों, अंग्रेजों से लड़ा हों और देश को आज़ाद कराने का काम किया, देश की आज़ादी में 71 साल हो रहा है, लेकिन आज तक उन महापुरुषों का नाम के से पार्क क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि वो दलित समाज की थी। इसलिए महाराजा लाखन पासी जिसके नाम से लखनऊ बसा हुआ है, आज उनके नाम से कोई पार्क नहीं, आज उदा देवी के नाम से कोई पार्क नहीं। जिन लोगों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है आज उनके लिए सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के नाम से होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, एक वीर वीरांगना थी जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, आज उनके नाम से कहीं कोई पार्क नहीं है। जहाँ पर वो हजरत महल का वो बेगम भी वहाँ बेगम भी रह चुकी हैं। जब बेगम हजरत की वो गिरफ्तार हुई तो उनके जगह पर उनको बनाया गया, वहाँ वो रानी भी थी। और इतना बड़ा नाम होने के बाद आज तक लखनऊ में उदा देवी के नाम से कोई पार्क नहीं बनाया गया। मैं मांग करती हूँ कि जो देश में जो लोग इलेक्शन में वोट लेते हैं और सरकार बनाते हैं, जब इलेक्शन में वोट की बात आती है तो दलितों का वोट लेकर के देश में राज करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, उनके पार्क की बात आती है, तो आज़ादी से लेकर अब तक ये पार्क क्यों नहीं बनाया गया? ये पार्क हम अपने समाज के लोगों को संगठित करके और निश्चित रूप से बहराइच में एक इतिहास रचेंगे। पार्क ही नहीं, पूरे इतिहास, पूरे लखनऊ को अपना, हमारा इतिहास था, हमारा स्टेट थी, हम अपना इतिहास, अपना स्टेट लेकर के और अपना पार्क भी बनाएंगे, अपना स्टेट भी हम लेकर के रहेंगे। ये मैंने आपने किया है। आपने देखा बहराइच के सांसद हमारे बीच मौजूद थे। इनका अवधेश के साथ इरशाद खान, एंटी करप्शन न्यूज एंड वी।